हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी पनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथमेटिक्स लेसन नंबर 16, एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। एरिया, आज हम स्टडी करेंगे एरिया के बारे में। किसी भी क्लोज फिगर डोरेंगे तो किसी भी क्लोज फिगर लेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। नाउ एरिया, जो जो भी क्लोज फिगर है वो जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम कहेंगे एरिया। यानी कि जो भी क्लोज फिगर है वो जितनी भी सरफेस कवर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एरिया। जो हमने फिगर ड्रॉ की है उसमें जो बाउंड्री की जो भी लेंथ होगी उसे हम पेरीमीटर कहेंगे, और उसने जो भी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी हमें उसे क्या कहेंगे, एरिया। एरिया यानी कि इज द अमाउंट ऑफ अ सरफेस अ फिगर कवर, द सरफेस कवर बाय अ फिगर। नाउ स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये जो स्क्वायर है उसकी वन साइड और वो दूसरी साइड, एटले साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होती है, ये लेंथ और ए ब्रीथ होती है। यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ रेक्टेंगल में। अब हमें तीन चीज है, एरिया, लेंथ और ब्रीथ। हमें दो की वैल्यू मालूम होगी तो हमें एरिया मिलेगा। यानी कि लेंथ फाइंड करना हो तो हमें ब्रीथ और एरिया की वैल्यू दी गई होगी। इसलिए लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपन ब्रीथ। नाउ ब्रीथ को फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द वासिम हैज ड्रोन अ स्क्वायर ऑन अ 1 cm by 1 cm ग्रिड, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि वो स्मॉल स्क्वायर है उसका क्या है, 1 cm है। तो 1 cm 1 + 1 + 1 = 3, ये साइड कितनी हुई, 3। और 1 + 1, ये साइड कितनी, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ये साइड कितनी हुई, 3। यानी कि स्क्वायर का हमें फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 3 × 3 = 9 cm। और दूसरी मेथड है, वन एरिया इज इक्वल टू 1 cm, तो कितने बॉक्स है वो हमें फाइंड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7, 8, 9। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 9 cm। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ इसी तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। सुमित हैज ड्रोन अ रेक्टेंगल ऑन अ 1 cm by 1 cm ग्रिड, फाइंड इट्स एरिया। वो स्मॉल बॉक्स कितना है, 1 cm, तो 1 cm तक कितने बॉक्स है वो फाइंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि हमारा एरिया कितना हुआ, 15 cm। ना हम फॉर्मूला से रीच से फाइंड करेंगे तो इसकी ब्रीथ फाइंड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी हुई, 5 cm। और इसकी लेंथ कितनी होगी, 1, 2, 3, 3 cm। नाउ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। हमारी लेंथ कितनी है, 3 cm, मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी है, 5 cm, यानी कि 5 cm। 3, 3, 5 = 15 cm by cm² और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 square cm। नाउ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2। फर्स्ट क्वेश्चन ए, फाइंड द एरिया ऑफ अ फॉलोइंग फिगर गिवन योर आंसर इन अ स्क्वायर यूनिट।
यानी कि आंसर जो भी आएगा उसे हमें स्क्वायर यूनिट में लिखना है। वन बॉक्स यानी कि वन स्क्वायर यूनिट, हम कितने बॉक्स है वो फाइंड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कितना हुआ 12 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से सेकंड कितना बॉक्स है वो फाइंड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि 21 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से थर्ड का फाइंड कर लेते हैं। थर्ड में कितने बॉक्स है वो फाइंड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि 28 स्क्वायर पर यूनिट। उसकी दूसरी भी मेथड है, पहले हम इसको लेंथ फाइंड कर दे रहे हैं। इस लेंथ कितना है 1, 2, 3, 4, 4 और ए ब्रिथ कितनी हुई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7 फोर 28 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह के 4 और 5 हम होमवर्क में करेंगे। नाउ क्वेश्चन बी, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये फिगर कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है। वन साइड दी गई है 7.5 मीटर, दूसरी साइड है 7.5 मीटर यानी कि हम उसे स्टार्ट करेंगे। साइड हमें दी गई है, साइड दी गई है 7.5 सेंटीमीटर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो पॉइंट को फॉरगेट कर देंगे यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 0, 7, 5 जा 35, 7, 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5, 5 जा 25, 2, 5, 7 जा 35 प्लस 2, 37, 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 5 यानी कि आंसर आया हमारा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट है, 1 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 यानी कि पॉइंट के बाद 1 प्लस 1 2, तो हम जो भी आंसर आए उस के बैक से टू डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे 1 2 पॉइंट यानी कि जो भी आंसर आया वो क्या हुआ 56.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ हम सेकंड लेंगे क्वेश्चन टू। ये एक शेप क्या है, रेक्टेंगल। लेंथ कितनी दी गई है हमें, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ब्रिथ कितनी दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड लेंथ हमारी है 8 सेंटीमीटर, ब्रिथ दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता है रेक्टेंगल का, एरिया फाइंड करने का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ। लेंथ दी गई है 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जा 16, 1, 8 1 जा 1 प्लस 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 यानी कि 19.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन थ्री है जो हम होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन थ्री। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन थ्री, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे हमने ये टेबल लेंथ है, ब्रीथ और एरिया। लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, तो एरिया हमें फाइंड करना है कितना होगा एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है और लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा हमें आगे के समय उसका जरूर पड़ेगा। लेंथ यानी कि एरिया डिवाइडेड बाय ब्रीथ, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय लेंथ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेंथ दी है ब्रीथ दी है तो हमें एरिया फाइंड करना है। लेंथ हमको दी है 7 सेंटीमीटर, ब्रीथ गिवन बाय 5 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट द एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, एल यानी कि लेंथ, बी यानी कि ब्रीथ। लेंथ कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 cm² और 35 square centimeter। नाउ सेकंड हमें लेंथ दी है, ब्रीथ का हमें फाइंड करना है, एरिया दी गया है तो लेंथ हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, एरिया दिया है 36 square centimeter, ब्रीथ भी फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, ब्रीथ फाइंड करना है। ब्रीथ को हम इस तरफ ले लेंगे, ब्रीथ एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया कितना दिया है 36 डिवाइडेड बाय लेंथ 6 × 6 = 36, तो 6 सेंटीमीटर। हमारी ब्रीथ कितनी आई सेकंड की 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, लेंथ हमको फाइंड करनी है, ब्रीथ दिया है और एरिया भी दिया गया है तो ब्रीथ कितनी हुई 9, ब्रीथ गिवन बाय 9 सेंटीमीटर, एरिया गिवन बाय 63 square centimeter। लेंथ फाइंड करना है, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एरिया अपॉन बी, एरिया कितना है 63 डिवाइडेड बाय बी 9, 9 × 7 = 63, लेंथ कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अब हम 4 और 6 इसे आपको होमवर्क में करना है।